नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। योगी आदित्यनाथ का ये नारा बहुत पॉपुलर हो गया। बीजेपी के कई नेताओं ने इसे अपनी जनसभाओं में भी दोहराया, जिसमें सबसे प्रमुख रहे गिरिराज सिंह, जिन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाकायदा एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी बिहार में निकाल दी। आपको याद होगा बिहार में अररिया के सांसद बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का वो विवादित बयान भी, जिसमें उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, यानी बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा मूल मंत्र बन गया बीजेपी के लिए। और इस पे फाइनल मुहर तब लग गई जब मथुरा में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर सहकारवाह दत्तात्रेय होसबले ने भी इस बयान पर, इस नारे पर अपनी मुहर लगा दी और कहा कि हिंदुओं को एक रहने की बात करनी चाहिए, जात पात अगड़ा पिछड़ा सब कुछ भूलकर हिंदुओं को एकता के लिए कोशिश करनी चाहिए और एक रहना चाहिए। क्या आरएसएस के इस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ का कद बीजेपी में और बढ़ गया है और वो 2027 के लोकसभा चुनाव जब होंगे तो वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सबसे बड़े दावेदार में से एक होंगे? ये सवाल कल के बाद से राजनीतिक फिजाओं में गूंजने लगा है। बहरहाल ये इसके बारे में अभी बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने बीजेपी को एक नया चुनावी मंत्र दे दिया है। बीजेपी इसका फायदा हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और लोकसभा के जो दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी को लगता है कि उसका ये नारा यानी योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ ये चुनावी मंत्र, बटेंगे तो कटेंगे, इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस या उनके नेता राहुल गांधी के जो आरक्षण और संविधान का नैरेटिव उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में चलाया था, उसकी सबसे बड़ी काट है। क्योंकि इसी नारे की बदौलत बीजेपी, जिसके बारे में हर लोग कह रहे थे कि वो हरियाणा का चुनाव हार रही है, लेकिन आखिरकार जब नतीजे आए तो उस नतीजों ने न सिर्फ बीजेपी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी हैरत में डाल दिया। किसी भी चैनल के आकलन में बीजेपी को जीतता हुआ नहीं दिखाई दिया गया था। अब बीजेपी इस चुनावी मंत्र को लेकर बेहद उत्साहित है और जाहिर सी बात है इस मंत्र को जिसने दिया वो उसका कद भी अब पार्टी में निश्चित रूप से बढ़ गया है। हम बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को इस चुनावी मंत्र का कितना फायदा मिला और बीजेपी इसका कितना लाभ उठा सकती है। दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज हम योगी आदित्यनाथ की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल मथुरा में आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। तारीफ क्यों की है और क्यों योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक नए फायर ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिनका समर्थन अब आरएसएस भी कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। उनका यह बयान अब खूब लोकप्रिय हो रहा है। जी हां, वो बयान था कि बटेंगे तो कटेंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? हरियाणा चुनाव के रिजल्ट जब सामने आए तो उस पर औरों की तरह बीजेपी को भी पहले यकीन नहीं हुआ। टीवी चैनलों के हर सर्वे में बीजेपी को हारता हुआ बताया गया था, लेकिन जब अंतिम परिणाम सामने आया तो बीजेपी बम्पर वोटों से वहां पर जीत हासिल कर चुकी थी। और इसमें योगी आदित्यनाथ के इस बयान का भी बहुत सहयोग माना जा रहा था। और अब बीजेपी ने योगी के इस नारे को आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी अपना लिया है। मानो योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को जीत का एक नया चुनावी मंत्र दे दिया है। जी हां, सबसे पहले आपको वो एक बयान योगी आदित्यनाथ का जो इन दिनों चर्चा में है, जिस पर गाने बन रहे हैं, जिस पर मीम्स बन रहे हैं, जिसको बीजेपी के नेता फॉलो कर रहे हैं, पहले आप वो बयान सुन लीजिए, पिछले महीने का ये बयान है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह योगी आदित्यनाथ का ये नारा अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का मंत्र बनता जा रहा है।
पहले आप ये बयान सुन लीजिए। और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त, भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है, बटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। यह डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ का ये बयान या ये कहें ये नारा बड़ा ही लोकप्रिय हो रहा है, न सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बीच में बल्कि आम लोगों के बीच में भी। ताजा खबर यह है कि बीजेपी योगी के इस नारे पर अब जो है गाने भी बनने लगे हैं। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में जो है इस तरह का गाना दिखाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, साथ ही साथ भोजपुरी कलाकारों ने भी योगी के इस नारे पर एक गाना बना दिया है। बहरहाल उस पर चर्चा करेंगे, चुनाव पर भी चर्चा करेंगे, कितना सफल होगा योगी आदित्यनाथ का ये नारा या कितना सफल हुआ योगी आदित्यनाथ का ये चुनावी मंत्र। लेकिन सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी योगी के इस बयान का समर्थन किया है। जी हां, मथुरा में एक कार्यक्रम में RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, अगर हिंदुओं ने एकता नहीं दिखाई तो बटेंगे तो कटेंगे। जी हां, हिंदुओं को अगड़े पिछड़े जाति पाति के तमाम मिथकों से ऊपर उठते हुए एक रहना होगा और यही चुनावी मंत्र है जो बीजेपी को अब हासिल हो गया है। जी हां, अब बीजेपी इंडिया गठबंधन के उस नैरेटिव का, संविधान और आरक्षण के नैरेटिव का जवाब इसी से देने जा रही है और महाराष्ट्र चुनाव पर फोकस इसी बात पर है कि योगी आदित्यनाथ का ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये लोगों तक, आम लोगों तक, हर घर तक पहुंचाया जाए। बीजेपी और उसके सहयोगी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे जो भी बजरंग दल हो, ये सारे अब इसी कोशिश में जुट गए हैं। क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत हासिल हुई उससे ये माना जा रहा है कि उसमें योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपको याद होगा कि हरियाणा का रिजल्ट जब आ रहा था उसके एक दिन पहले सारे टेलीविजन चैनलों के सर्वे ये बता रहे थे कि वहां पर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब अंतिम परिणाम सामने आए तो पासा पलट चुका था, जिसका भरोसा खुद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी नहीं था। अब बीजेपी उत्साहित है, योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को एक नया चुनावी नारा या चुनावी मंत्र, जीत का मंत्र दे दिया है और बीजेपी इसी मंत्र के साथ अब वो महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में उतरने जा रही है। जी हां, योगी का इस नारे को घर घर पहुंचाने की तैयारी हो रही है, साथ ही साथ इस बात का भी बीजेपी नैरेटिव फैला रही है या बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है, सनातन धर्म के मानने वालों को इस बात का एहसास हो रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में नैरेटिव गढ़ा था इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों ने और जिन्होंने संविधान और आरक्षण की दुहाई दी थी और उसके आधार पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा था, वो उनकी एक भूल थी और अब इस भूल को सुधार करना है। क्योंकि चुनावों में जीत के बाद से जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बयान दिए, खासकर सनातन के खिलाफ बयान दिए और अल्पसंख्यकों के पक्ष में जिस तरह से खुलकर खड़ा हुए, उससे हिंदुओं को इस बात का एहसास होने लगा है कि हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है और इसका फायदा उठाना जा रही है बीजेपी अब, जिसे निश्चित रूप से इन चुनावों में फायदा मिलेगा। जी हां, ये तो बात हुई बीजेपी पार्टी की, लेकिन इस नारे ने योगी आदित्यनाथ का भी कद बढ़ा दिया है। जी हां,
अब सवाल ये उठता है कि क्या 2027 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दावेदारों में सबसे बड़े खिलाड़ी साबित होंगे? आज के माहौल को देखें और जिस तरह से आरएसएस खुलकर अब योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आ गया है, इससे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही अब अगला नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं या उनको तैयार किया जा रहा है। कुछ एक एग्जाम्पल भी हैं इस बारे में, जैसे कि बांग्लादेश का जब अनरेस्ट हुआ उस वक्त जो है बाकी भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री का बयान आपने नहीं सुना होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के फायर ब्रांड नेता, हिंदू नेता की छवि जो बनी थी, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लगी है। इससे माना यह जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है, खासकर जब आरएसएस जैसी संगठन जो पितृत्व संगठन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुहर लगा रही है, इसका मतलब कि वो योगी को आगे बढ़ा रही है। तो योगी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, आप भी इस पर विचार करिएगा कि योगी का ये नारा कितनी सफलता दिलाएगा भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में, और क्या इंडिया गठबंधन के पास इस नैरेटिव की काट है, क्या इंडिया गठबंधन का आरक्षण का दांव महाराष्ट्र में ही उसे उल्टा पड़ने जा रहा है। बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।